हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में बेसिकली हम डिटेल में ये एनालाइज करेंगे कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है, बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है, वो बेसिकली क्या है। देखो, मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर का काम क्या होता है कि वो अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जिस भी प्रोडक्ट को वो मैन्युफैक्चर करता है, उसको कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, वेरियस अदर कंट्रीज में वो जो है वो उसको एक्सपोर्ट करता है। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, देखो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आप किसी भी गुड का रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उसके बाद उसके अलावा उस रॉ मटेरियल से उस चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ में आपको एक लेबर लगेगी। उसके बाद मान लीजिए आपका सब कुछ तैयार हो गया, गुड्स तैयार हो गए, उसको आप पैक करोगे, पैकिंग करोगे। उसके बाद मान लीजिए आप बाय, मान लीजिए सी से जो है किसी दूसरी कंट्री में उसको भेजते हो, तो उसके बाद जो लास्ट में शिप होगा उसके ऊपर आप उसको लोड करवाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस सारे काम को करने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। अब इस पैसे को, ये पैसा कहां से मिलेगा, ये बेसिकली मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। और कहां से मिलेगा लोन, कौन देगा, हमें बैंक देगा। अब BCF, अब ये जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है, बेसिकली जैसे मैंने आपको समझाया कि वो जो पूरा प्रोसेस है, यानी जब तक वो शिप के अंदर माल लोड नहीं हो गया, उससे पहले का जो पूरा प्रोसेस है, उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब लोन किस फॉर्म में मिलेगा, देखो पहला होता है EPC यानी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, और दूसरा होता है PCFC यानी पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था, इस चीज के लिए हम पहला केस चूज कर सकते हैं EPC का, यानी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट में क्या होगा कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको लोन मिल जाएगा इंडियन रूपीज के अंदर। अब PCFC क्या है, PCFC की अगर हम बात करें तो इस केस में आपको लोन मिलेगा फॉरेन करेंसी के अंदर। देखो, इस केस में आपको लोन मिलेगा फॉरेन करेंसी के अंदर, और EPC में आपको लोन मिलेगा इंडियन रूपीज के अंदर, ठीक है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वेल इसके अंदर हम डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे। EPC क्या है और PCFC क्या है, इसको हम एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब उसके बाद एक चीज ये आती है कि ठीक है, हमने समझा कि EPC यानी आपको लोन मिल जाएगा इंडियन रुपीस के अंदर, और PCFC यानी आपको लोन मिल जाएगा फॉरेन करेंसी के अंदर। अब इसके अलावा बहुत सारे जो बिजनेसेस है ना, जो भी एक्सपोर्टर है ना, वो एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, वो स्टिल अपने एक्सपोर्ट के लिए जो उनको पैकिंग क्रेडिट चाहिए, जो उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन चाहिए, वो उसके लिए भी OD और CC लिमिट का ही यूज करते हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपको बैंक ने 50 लाख रुपए की लिमिट बना के दी। अब बैंक आपको क्या बोलेगा, इस लिमिट है यानी आप मैक्सिमम इतना पैसा यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूज किया केवल 10 लाख रुपए, तो बैंक ये बोलता है कि जितना आपने यूज किया ना, सिर्फ उसी के ऊपर ही आपको जो है बैंक को ब्याज देना है, सारे अमाउंट के ऊपर ब्याज नहीं देना। तो ये बेसिकली क्या होती है, OD और CC लिमिट। अब इसके बाद देखो, ये चीज OD और CC लिमिट EPC और PCFC से बेकार क्यों है, अगर मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट के टर्म्स में। देखो एक्सपोर्ट के अंदर, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो OD और CC लिमिट रहती है ना, इसका जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, वो होता है MCLR के ऊपर, ठीक है। अब ये MCLR क्या है, देखो MCLR डायरेक्ट जुड़ा रहता है रेपो रेट के साथ, ठीक है। अब MCLR क्या है, इसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है, तो एक डिफरेंट अलग से मैंने इसका डिटेल वीडियो बना रखा है। अब ये जो MCLR है, ये MCLR के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही RBI रेपो रेट को कम करता है, तो इसके इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं, रेपो रेट बढ़ता है तो इसके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। वेल, अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। वेल, ODCC लिमिट का जो रेट है, वो जाता है 9 से लेकर 10% के बीच में। अगर मैं बात करूं इसी जगह PCFC की, तो PCFC किसके ऊपर डिपेंड करता है, LIBOR के ऊपर, यानी लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के ऊपर। मान लीजिए लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट 2% चल रहा है, मार्जिन बैंक का 2% हो गया, तो टोटल आपको मिलेगा सिर्फ 4% के ऊपर। अब LIBOR क्या है, इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। देखो बैंकिंग में ना बहुत सारे डॉट्स हर जगह कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हमने दो और टॉपिक डिस्कस कर लिए कि MCLR क्या होता है बेसिकली, और LIBOR क्या होता है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमने क्या देखा कि ODCC लिमिट में जो हमारा इंटरेस्ट रेट आया, वो आया 9-10%। Whereas PCFC की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट आया, वो आया सिर्फ 4-5%, ठीक है। और ये लोन मिलेगा हमें फॉरेन करेंसी में। अब EPC क्या है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लोन इंडियन रुपीज में लेना, ठीक है,
पीसीएफसी वर्क करता है सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम ओडीसीसी लिमिट की तरह, यानी ये भी डिपेंड करता है एमसीएलआर के ऊपर। तो इसकी भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 9 to 10%। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम इसको क्यों ले। देखो ये 9 to 10% तो मिलता है, अब आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अपनी कंट्री में लाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, सबवेंशन दे देती है, यानी लगभग 5% के आसपास आपको पैसा वापिस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, यानी ईपीसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो पड़ेगा हमें बिल्कुल सेम पीसीएफसी की तरह। तो इस केस में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक एक्सपोर्टर है ना, तो आप हमेशा अवेल करिए पीसीएफसी को या फिर ईपीसी को, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अब ये चीज ठीक है, अब यहां पे एक चीज आती है कि इस लोन को हमें लेना कैसे है। देखो इस चीज का एक सिंपल सा फंड है, जो भी आपकी बैलेंस शीट रहेगी उसका मैक्सिमम आप 20 to 25% जो भी आपकी सेल रहेगी ना, उसका 20 to 25% आपको जो है ईपीसी या फिर पीसीएफसी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि अगर कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, उसकी 10 करोड़ रुपए की सेल है, तो यहां पे अगर मैं 20% कैलकुलेट करूं तो 2 करोड़ रुपए तक उसको सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस केस में एक ये ऐसा एक्सपोर्टर है जो बोलता है कि मेरी 10 करोड़ की सेल है लेकिन 5 करोड़ तो मैं एक्सपोर्ट करता हूं और 5 करोड़ मेरी डोमेस्टिक सेल है। तो इस केस में बैंक क्या करता है, एक सिंगल बकेट के अंदर ही आपको ईपीसी, पीसीएफसी और ओडीसीसी लिमिट सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। अब बैंक बोलता है कि जब आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप अपनी ईपीसी यूज कर लेना, जब आपको डोमेस्टिक ट्रेड करना हो तो आप उस केस में अपनी ओडी और सीसी लिमिट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल बकेट में हमें एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ठीक है लोन तो हमने ले लिया लेकिन इसको रीपे कितने टाइम में करना। देखो अगर हम ओडीसीसी लिमिट की बात करें तो इस केस में तो क्या रहता है कि आप इसको चाहे लाइफ टाइम चला लो, ठीक है, बस ये हर साल एक बार रिन्यू होता है जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.5% से लेकर के या फिर आपकी 0.25% से लेकर के 1% तक, ठीक है। तो इसको बस रिन्यू कराना होता है और इसके अंदर तो आप बस ब्याज भरते जाइए अपनी लिमिट का और बाकी इसको क्लोज कराने की कभी जरूरत नहीं है। अगर हम ईपीसी या फिर पीसीएफसी की बात करें ना, तो इस केस में आपको जो है Within 180 days के अंदर अंदर आपका इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आपने सारा का सारा लोन लिया, कब तक का, कितने प्रोसेस तक का लोन लिया, जब तक गुड्स जो है शिप के अंदर लोड नहीं हो गए, इससे पीछे जितना भी आपका खर्चा था उस चीज के लिए बैंक ने आपको लोन दिया। गुड्स जो है मान लीजिए यूएसए में चले गए, अब बैंक क्या बोलता है जिस दिन से गुड्स यहाँ से निकले ना उसके विदिन 180 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा बैंक को वापिस देना। और ऐसा नहीं कि बाहर से पैसा नहीं आया और आपने अपने ही दूसरे सेविंग अकाउंट से निकाल करके इसकी रीपेमेंट कर दी, नहीं, जो आपने गुड्स भेजे है ना उसी गुड्स की ही पेमेंट चाहिए। यानी गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना भी आप गुड्स कंट्री से बाहर भेजोगे उसके बदले में उतना ही फॉरेन रिजर्व कंट्री के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन वैसे लिमिट 180 डेज है लेकिन सारे के सारे बैंक लगभग ऑलमोस्ट हर बैंक आपको टाइम देते हैं 150 डेज का, प्लस जो 30 डेज है उसको वो बोलते हैं ओवरड्यू पीरियड। यानी इस टाइम के अंदर वो आपको बार बार परेशान करेंगे कि आपकी पेमेंट नहीं आई है, आप तुरंत पेमेंट कर दीजिए। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस ईपीसी क्या है, पीसीएफसी क्या है, ओडीसीसी लिमिट के बीच में कि एक्सपोर्टर को बेसिकली क्या यूज करना चाहिए। अब इसके अलावा एक डिफरेंट वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि ईपीसी और पीसीएफसी में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।